हेलो फ्रेंड्स, इस नवरात्रि हमने बहुत सारी डिशेस बनाई लेकिन कुछ मीठा अभी तक नहीं बनाया, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ मलाई पेड़े, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए, बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ही कम टाइम में हम ये मलाई लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इनके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर मलाई वाला दूध, जिसे हम बॉईल कर लेंगे। जब इसका उफान ऊपर आने लग जाता है, जैसे ही वो ऊपर आता है वैसे ही हम इसमें नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस है जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच पानी मिलाया है, उसे 1-1 चम्मच करके डाल लेते हैं, जिसे फटना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं अब ये फटना शुरू हो चुका है और ये फट चुका है। दूध हमारा अच्छे से फट जाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 गिलास ठंडा पानी, जिससे छेना पूरी तरह से अलग हो जाएगा, और फिर हम इसे एक मलमल का कपड़ा लेकर छान लेते हैं। इसको एक बार छानने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का सत रह जाता है, इसलिए हम इसे एक बार अच्छी तरह फिर से धो लेते हैं ताकि इसमें नींबू का खट्टापन बिल्कुल ना रहे। फिर हम इसे कपड़े में अच्छी तरह बांध लेते हैं। पानी इसका पूरा निकाल लेना है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि छेना बिल्कुल सूख चुका है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। जितने अच्छी तरह से मैश करेंगे उतने ही अच्छे मलाई लड्डू बनेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4 चम्मच चीनी का पाउडर, जो कि मैंने घर की चीनी को पीस लिया है। अब हम इसे फिर से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये चिकना हो चुका है, ये अभी कच्चा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। हम इसे लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शक्कर इसमें मेल्ट हो रही है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 पाव दूध पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे थोड़ा टेस्ट और अच्छा होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा छेना सूखने लगा है, फ्राई पैन की सतह भी छोड़ने लगा है, तो अब हम इसे बंद कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें मिलाई है मैंने बारीक कुटी हरी इलायची, थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इन्हें मिक्स करना ज़रूरी नहीं है, पर इसे टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगाया है ताकि ये हाथ में बिल्कुल न चिपके। बीच से थोड़ा सा होल कर लेंगे, जिसमें हम एक ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। इन्हें हम सिर्फ दूध और शक्कर से भी तैयार कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी भी होते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं एक और आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, नवरात्रि की पूजा हो या गणेश जी की पूजा हो या घर में किसी भी तरह की पूजा हो, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होने वाला प्रसाद है। इसे आप मोदक का भी शेप दे सकते हैं, जिसे हम स्पेशली गणपति जी के प्रसाद के लिए बनाते हैं। ये देखिए, मैंने फोक से इसमें लाइनें बना ली हैं। अब मैं इसमें बादाम के आधे आधे पीस लगा देती हूँ। ये हमारा मोदक बनकर तैयार है। 1 लीटर दूध में आपके 15 पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे, तो आप फटाफट से बनाइए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।